नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दो आत्मघाती बम धमाके से दहला तुर्की का शहर इस्तांबुल। अतातुर्क एयरपोर्ट पर घुसे तीन हमलावरों में से दो ने खुद को उड़ाया। 38 लोगों की मौत, 120 से ज्यादा लोग घायल। 4 महीने में दूसरी बार यूरोप के बड़े एयरपोर्ट पर हमले से हड़कंप। तुर्की के प्रधानमंत्री का बयान, ISIS पर है हमले का शक। अमेरिका समेत कई देशों ने की हमले की निंदा। भारत में आए समर्थकों पर NIA की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद में 9 जगहों पर छापेमारी कर 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए संदिग्धों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। केंद्रीय कर्मचारियों को आज मोदी सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट लगा सकती है मुहर। 1 करोड़ से ज्यादा मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को मिल सकता है लाभ। कालेधन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का कड़ा बयान, कहा चैन से सोना है तो 3 सितंबर तक काली कमाई के बारे में बताओ। उत्तराखंड में अगले 72 घंटों में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल समेत कई जगहों के लिए जारी किया अलर्ट। हॉकी के 6 नेशंस टूर्नामेंट में भारत की जीत, आयरलैंड को 2-1 से दी मात। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।